हाय स्टूडेंट बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आइए आज हम बात करते हैं क्लास एट की हिस्ट्री, ये लेसन थर्ड है, द रूलिंग द कंट्री साइड, एंड लेसन का बेटा सेकेंड वीडियो है। इससे पहले मैं एक वीडियो कर चुका हूं, अगर आप नहीं देखें जाकर उसको यूट्यूब से देख लें ताकि आपको पीछे की स्टोरी क्लियर समझ में आ जाए। और आज जो हम पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, द न्यू सिस्टम इज डिवाइज द मुनरो सिस्टम एंड ऑल वाज नॉट वेल। बेटा बता दूँ मैं इसी टॉपिक से पहले कि जो हम लोग फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था उसमें रेवेन्यू फॉर द कंपनी जो इस पार्ट पढ़ी थी, तो उसमें जो कंपनी का जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा था तो यहाँ के जो पेजेंट वगैरह थे, यहाँ के जो फार्मर्स थे, उनसे बहुत अधिक मामले में टैक्स लिए जा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे कंडीशन ऐसा हो गया था कि रेवेन्यू का टैक्स पे करते करते उनकी कंडीशन इतनी मतलब हो चुकी थी कि वो पे नहीं कर पाते थे। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई अब इनको इनके जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है पेजेंट्स का, वो है आपका जो है ये क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप प्रोडक्शन को अधिक से अधिक करने के लिए हमें इनमें लैंड में इन्वेस्टमेंट करके हम इनको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए एग्रीकल्चर को उन्होंने नई सिस्टम लगाई जिसको हम पढ़े हैं परमानेंट सेटलमेंट। हम लोग क्या पढ़े हैं? परमानेंट सेटलमेंट। इसके अंतर्गत क्या था कि परमानेंट सेटलमेंट के अंतर्गत ये था कि जो प्राइसेस था फूड ग्रेन्स का या जो टैक्सेस जो फिक्स था रेवेन्यू का वो अमाउंट, उसको उन्होंने फिक्स कर दिया कि मैं आपके पूरे लाइफ के लिए या फिर काफ़ी लंबे समय के लिए फिक्स कर दे रहा हूँ, आप हमको इतना अमाउंट देंगे। और एक मिडिल मैन के रूप में उन्होंने ज़मींदार को एक तरह से ज़मींदार ये पॉइंट किया था कि भाई आप ज़मींदार हैं, जो गांव के हेड मैन से या फिर चीफ जो फार्मर से आप टैक्स कलेक्ट करेंगे, रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और आप कंपनी को सबमिट करेंगे। तो सबमिट कर दिया था, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या था कि फिर भी जो ज़मींदार थे वो एक्स्ट्रा पैसा लेते थे पेजेंट से और कंपनी को कम ही देते थे, या जितना कंपनी का फिक्स था उतना देते थे, बाकी पैसा अपने पास रख लेते थे, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, जिससे जो फार्मर थे या पेजेंट थे उनकी हालत में इम्प्रूवमेंट नहीं आती थी। तो बहुत बड़ी समस्या हो गई थी, इससे पिछले वीडियो में देखा था। लेकिन हम आप देखेंगे कि आखिर उस सिस्टम से मतलब सोल्यूशन प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया था। तो उसका एक टॉपिक है द न्यू सिस्टम इज डिवाइजेज, यानी कि नए तरीके का सिस्टम आया था, उसको हम देखेंगे। बेटा अगर आपके पास बुक अवेलेबल है हिस्ट्री का तो आप पेज नंबर 29 को ओपन कर ले ताकि आपको लाइन बाय लाइन का स्टोरी क्लियर समझ में आ जाए। ओके, तो आइए देखते हैं। हाँ, और न्यू सिस्टम इज डिवाइज, यानी नए सिस्टम का मतलब ये किया गया था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लागू किया गया था। देखते हैं इसमें क्या था। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी मेनी ऑफ द कंपनी ऑफिशियल वेयर कन्विंस्ड दैट द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू हैड टू बी चेंज अगेन, यानी कि जो पहले था परमानेंट सेटलमेंट का जो सिस्टम था, तो बहुत सारे कंपनी के जो ऑफिसर थे वो उनको भी लगने लगा था कि भाई अब जो रेवेन्यूज जो कलेक्ट करने का जो सिस्टम है उसे भी चेंज करना चाहिए। क्योंकि पहले था कि एक कंपनी ने अमाउंट फिक्स कर रखी थी कि आपको इतना अमाउंट जो है कंपनी को सबमिट करना था, और ये कलेक्शन करने का काम जो है ज़मींदार करते थे। ज़मींदार कलेक्शन तो करते थे, लेकिन उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते थे, जिससे जो इनकी स्थिति बनी रही, जो समस्या थी, समस्या की समस्याएं बनी रही और इम्प्रूवमेंट नहीं थी। तो इनको लगा था कि ब्रिटिशर्स को कि भाई इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए हमें अपने प्लान में, हमें अपने प्रोग्राम में, अपने सिस्टम में बदलाव करना जरूरी है। देखते हैं क्या होता है। हाउ वुड रेवेन्यू बी फिक्स परमानेंटली एट अ टाइम वेन द कंपनी नीड मोर मनी टू मीट देयर इट्स एक्सपेंसेज एंड एट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड। कंपनी के पास एक बड़ी समस्या थी कि आखिर इसको परमानेंटली कैसे फिक्स कर दिया जाए, कि जो अमाउंट है जो रेवेन्यू का वो फिक्स कैसे किया जाए कि कंपनी का जो खर्च है वो मेंटेन होता रहे, उसके लिए हमें या ट्रेड का जो मतलब खर्च है वो कैसे आता रहे। तो इसके लिए क्या किया गया था, इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसी ऑफ बंगाल, जो नॉर्थ हालांकि ईस्टर्न प्रोविंसी है, पूर्वी है, जो प्रेसिडेंसी वहाँ पर है और उत्तर प्रदेश का कुछ भाग जो आता है आपको, एन इंग्लिश मैन कॉल्ड हॉल्ट मैगजीन, यानी कि एक इंग्लिश मैन है, ब्रिटिशर्स के एक अफसर थे हॉल्ट मैगजीन, उन्होंने एक तरह से सिस्टम को लागू किया था, उसको बोलते हैं डिवाइज द न्यू सिस्टम विच केम इन इफेक्ट इन 1822। और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसको कि सरकार ब्रिटिशर्स ने 1822 ईस्वी में इसको लागू भी कर दिया था। उनका मानना था, ही फेल्ट दैट द विलेज वाज एन इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन नॉर्थ इंडियन सोसाइटी। वो मानना था कि जो भाई भारत का जो नॉर्थ सोसाइटी है, नॉर्थ इंडियन सोसाइटी है, वो बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, संस्थागत है, एंड नीडेड टू बी
प्रिजर्व और उसको बचाए रखने की ज़रूरत है, उसको हमेशा सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। इसलिए अंडर हिज डायरेक्शन यानी कि अपने नेतृत्व में द कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, जो कलेक्टर्स थे जो टैक्सेस कलेक्ट किया करते थे, पर जो जमींदार हुआ करते थे, उसको गाँव टू गाँव यानी कि एक गाँव दूसरे गाँव तक भेजा करते थे, भेजने का प्रोग्राम था उसमें, और इंस्पेक्शन और जो लैंड था उसका जांच करते थे कि जो लैंड है इसकी मतलब फर्टिलिटी क्या है, या फिर इसमें कितना उपज हो सकता है, इसमें कौन सी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, इसमें कितना प्रोडक्शन हो सकता है, तब इतना प्रोडक्शन होगा तो इस पर टैक्स कितना लगाया जा सकता है। यानी कि इस पर जो कलेक्टर्स है वो गाँव जा करके सर्वे करते थे, इंस्पेक्शन करने काम करते थे। इसके बाद एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, द एस्टिमेट रिवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट, और प्रत्येक प्लॉट का जो गांव में हुआ करता था उसका रेवेन्यू कि भाई कितना इससे रेवेन्यू हम प्राप्त कर सकते हैं, वाज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज या महल हैड टू पेड। इस प्रकार पूरे गांव में कितना जमीन है, उसमें कितना प्रोडक्शन होता है तो कितना रेवेन्यू आएगा, इस प्रकार की एक गांव का उसको पहले महल कहते थे या महल कह सकते हैं, तो उसका रिकॉर्ड होता कि भाई इस गांव से हमें इतना लेना है। ठीक है, दिस डिमांड वाज टू बी रिवाइज पीरियडिकली, और ये डिमांड है समय समय से इसमें बदलाव होते रहेंगे, ऐसा उन्होंने प्रोग्राम बनाया। अब बनाया कि ये जो अमाउंट फिक्स की जाएगी वो परमानेंट नहीं की जाएगी, अगर ज़रूरत पड़े तो कम भी की जा सकती है, अधिक प्रोडक्शन होगा या कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा तो इसको ज़्यादा भी की जा सकती है, इसलिए इसको ऐसा फिक्स नहीं किया गया। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग ऑफ रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू गो टू द कंपनी वाज गिवेन टू द विलेज हेडमैन रादर दैन द जमींदार। जो पहला सिस्टम था आपका फिक्स परमानेंट सेटलमेंट का, उसमें जमींदार क्या करते थे, जमींदार ही टैक्स कलेक्ट करते थे और कंपनी को सबमिट करते थे, लेकिन इस बार जो है गांव के हेडमैन मतलब एक गांव में सर्वे हुआ कि भाई इस गांव से इतना रेवेन्यू आना चाहिए, तो उस गांव के किसी एक व्यक्ति को जो हेडमैन हुआ करता था उसको ही देते थे कि आप अपने गांव से इतना टैक्स कलेक्ट करके कंपनी को सबमिट कर देंगे। ये सिस्टम यहाँ पर नहीं हुआ। दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज द महलवारी सेटलमेंट, और इसको महलवारी सेटलमेंट के नाम से जाना गया। देखिए ब्रिटिशर्स ने रेवेन्यू को कलेक्शन करने दो टाइप का सिस्टम लागू किया था, एक तो आपका पड़े थे परमानेंट सेटलमेंट जो कि पूरा अमाउंट को फिक्स किया था कि एक बार में कितना आपको अमाउंट देना है और उसका चेंज नहीं होता था, वो सिस्टम था, और दोबारा जो चेंज किया गया उसको बोलते हैं महलवारी सिस्टम। अब जो आगे टॉपिक जो है मुनरो सिस्टम क्या था, अब देते हैं इन द ब्रिटिश टेरिटोरीज इन द साउथ देयर वाज अ सिमिलर मूव वे फ्रॉम द आइडिया ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। हालांकि जो साउथर्न जो टेरिटोरी था उन मुगलों का सॉरी ब्रिटिशर्स का, उसमें परमानेंट सेटलमेंट की तरह भी वहाँ पर वर्क होता था। द न्यू सिस्टम वाज द डिवाइस केम टू बी नोन एज द रैयतवार या रैयतवारी। जो नई सिस्टम जो डिवाइस करके आई थी यानी कि फिर से भाई उसको सर्वे करके उसका वो करके फिक्स किया था, तो उसको यहाँ पर रैयतवार या रैयतवारी के नाम से जाना गया था। इट वाज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाय द कैप्टन अलेक्जेंडर रीड इन सम ऑफ द एरिया दैट वेयर टेकन ओवर बाय द कंपनी आफ्टर द वार्स विद द टीपू सुल्तान। जो टीपू सुल्तान के युद्ध साथ युद्ध होता है, पिछले वीडियो में पढ़ा था, देखेंगे आप लोग, तो उस युद्ध के बाद जो भी एरिया आया, जो भी टेरिटोरी आया वो कंपनी के अंडर में एक्वायर्ड हो गया, तो कंपनी ने उसको डेवलपमेंट करने के लिए उसको ये किया था। सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो ने उसको डेवलप किया। दिस सिस्टम वाज ग्रेजुअली एक्सटेंड ऑल ओवर द साउथ इंडिया। और इस प्रकार जो सिस्टम जो लाया था मुनरो सिस्टम, वो पूरे आपको साउथ इंडिया में लागू कर दिया गया। एक्चुअली ये देखते हैं क्या था, रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वेयर नो ट्रेडिशनल जमींदार, यानी कि यहाँ पर कोई पारंपरिक जमींदार तो नहीं थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपने टैक्स कलेक्ट करने के लिए जमींदार के लिए पोस्ट किया था। द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद इन द कल्टिवेटर्स रयत हु हैड टाइटल्ड लैंड फॉर जनरेशन, यानी कि जो वर्क था डायरेक्टली कल्टिवेटर्स को ही दे दिया गया जो कि क्या करते हैं लैंड में ग्रो करते हैं। Their fields had to be carefully and separately surveyed, और उनका प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग जो लैंड था उसको सेपरेटली या अलग से ध्यान से उसको ये सर्वे किया गया, और फिर उस पर रेवेन्यू जो है फिक्स किया कि भाई इसमें रेवेन्यू कितना आएगा, यानी कि प्रत्येक किसान वाइज, अब गाँव वाइज नहीं हुआ था, अब किसान वाइज हुआ था कि प्रत्येक किसान कितना रेवेन्यू देंगे। मुनरो टॉट दैट द ब्रिटिशर्स शुड एक्ट एज द पैटर्नल फादर्स फिगर द प्रोटेक्टिंग द रायट्स अंडर देयर चार्ज। अब भाई जो आपकी पैटर्नल जमीन था, जो पैटर्नल संपत्ति है, उसको ये प्रोटेक्ट करने का आपको रायट दिया जा रहा है और उसको चार्ज आया है।
तो लेकिन इस सिस्टम से ही बहुत लोग खुश नहीं थे, जो सिस्टम जो दोनों लागू किया गया आपको क्या बोलते हैं महलवारी सिस्टम और मुंडरो, इससे भी बहुत लोग खुश नहीं थे। तो इसमें टॉपिक है ऑल वाज नॉट वेल, सभी लोग उसमें सहमत नहीं थे। विद इन अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द सिस्टम आफ्टर द न्यू सिस्टम ऑफ वेयर इम्पोज इट वाज क्लियर दैट ऑल वाज नॉट वेल विद देम, यानी कि जो सिस्टम लागू किया गया था उसे कुछ ही समय बाद इसका मतलब विरोध होना शुरू हो गया। इससे स्पष्ट लगता है कि इससे सभी लोग खुश नहीं थे। ड्राइवन बाई द डिजायर टू इंक्रीज देयर इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल फिक्स टू हाई रेवेन्यू डिमांड, यानी कि जो आप कलेक्टर थे, जो गांव का हेडमैन हुआ करता था, जो टैक्स कलेक्ट करता था, वो टैक्स इतना ज़्यादा करता था कि उसको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ करता था और कंपनी को बहुत कम ही पे करता था। पीजेंट्स वेयर अनेबल टू पे, ये इतना ज़्यादा होता कि जो पीजेंट थे वो उसको पे नहीं कर पाते थे। रयस फ्लेड टू कंट्री साइड, जो रयत थे वो जो गांव छोड़कर भागना शुरू कर दिए। एंड विलेज बिकेम डेजर्ट इन मेनी रीजन्स, और कई एरिया में जो किसान जो है वहाँ का छोड़ करके भागना शुरू कर, जो डेजर्ट हो गया भाई, जब उस पर वर्क ही नहीं होगा या टैक्स इतना ज़्यादा हो जाएगा जितना हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे उससे अधिक पे करना पड़ेगा, तो कौन उस जाएगा वर्क करने के लिए। तो ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल हैड इमेजिन दैट द न्यू सिस्टम वुड ट्रांसफॉर्म द पीजेंट इंटू अ रिच इंटरप्राइजिंग फार्मर्स, बट दिस आइडिया नॉट हैपन। हालांकि फिर सुधारने का प्रयास किया गया था लेकिन वो जितना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो नेक्स्ट आपका है क्रॉप्स ऑफ यूरोप, बेटा हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।